वो मरकर ही वहां से निकला। फिर देखो चलो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, गैरत उनको आ गई, मगर क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्यों करना चाहते? कुमनल फसाद क्यों करना चाहते? मिसाल रही है, हमने हमेशा यहाँ भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखा है और आइंदा, मगर वहां अगर वो दो डर थे। हम इस वक्त जो हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी उठी है, हत्ता कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग उठे, सियासी रोमन नहीं है, गौतम नवा लखा मुसलमान नहीं है, या जम्मू के वो चंबर ऑफ कॉमर्स वाले मुसलमान नहीं है, या जो जम्मू हमारा यहाँ का ये प्लेटफॉर्म या कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम सियासत से कटे हुए नहीं है। वो सियासत जिस हम कैसे उस सियासत से अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं? आज तक तो ऐसे वाकयात नहीं हुए। यहाँ पे इस स्थिति से ये कहना चाहूंगा कि अगर कठुआ में किसी दीपक सिंह ने, किसी श्याम कुमार ने क्राइम किया है, तो हमारा यहाँ पे हम उसका उसके जो है वो हम यहाँ किसी शक के साथ हैं, और इंसाफ का तकाजा ये है कि वो ट्रायल जो है वो किसी दूसरी जगह पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि ये जो कातिल है इनको उस वो अंजाम इनका हो। जो प्रोटेस्ट था डोडा सिविल सोसाइटी की तरफ से था, ये जो कठुआ के रसाना में जो 8 साल मासूम आसफा का जो बेईमाना कत्ल हुआ, और उससे पहले उसके साथ जो जुल्म और बर्बरियत का खेल हुआ, हमने 1-2 महीने पहले उस वक्त भी हुकूमत को वार्न किया था कि इसके बड़े नतीजे निकलेंगे, और वो सब आपने देखे। और हमारा ये मुतालबा है कि चूंकि कठुआ में जो माहौल है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराफ़ किया है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो सकती है, हमारा ये मुतालबा है कि इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी जगह पे ट्रायल की जाए, ताकि उस मकतूला के साथ इंसाफ हो। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस तरह के वाकात ना हो, और जो जम्मू में जो कुछ तबकों की तरफ से, जिनमें बार एसोसिएशन जम्मू के सदर वो सलातिया एंड को हैं, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बंदूक उठाने की, बम चलाने की, कत्लो गारतगरी की, या कठुआ कोर्ट में जो क्राइम ब्रांच को 6 घंटे होस्टेजेस बना के रखा, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त आसिफा रेप एंड मर्डर इशू जो है, इसको तो सब जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला पहुंच चुका है। हमारा आज जो यहाँ पर गर्जो गाय थी प्रोटेस्ट करने की, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है, आसिफा केस का फ्री एंड फेयर ट्रायल जम्मू में या कठुआ में या सांबा में या उधमपुर में पॉसिबल नहीं है। पहली डिमांड हमारी यह है कि इस केस को शिफ्ट किया जाए, या तो चिनाब वैली में या पीर पंजाल में, जहां इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल चले। दूसरा हमारा मुतालबा ये है, जो बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट ने धमकाया हुआ है कि आज हमने झंडे उठाए हैं, कल हम 47 और बम उठाएंगे, उनके खिलाफ FIR लॉज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। तीसरा हमारा मुतालबा ये है, जम्मू बेस्ड, कठुआ बेस्ड जितने भी लीडरान हैं, जिन्होंने जस्टिस को साबोटाज करने की कोशिश की, जिन्होंने लड़की के साथ जुल्म ज्यादती करने वालों को ओपनली सपोर्ट किया और अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम लीडरान के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के FIR लॉज किए जाएं और उनको अरेस्ट किया जाए।